शिमला जिला के रामपुर के समीप दत्तनगर स्थित उद्यान विभाग के खाद उत्पादन इकाई एवं प्रशिक्षण केंद्र में मशोबरा बसंतपुर के किसानों ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के तहत इस निःशुल्क प्रशिक्षण के दौरान खुम्ब खाद बनाने से लेकर मशरूम उत्पादन संबंधी विभिन्न तकनीकी जानकारियां दी गई। किसानों को बताया गया कि मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर बेरोजगार पर भूमिहीन लोग भी कुछ माह के भीतर ही अपनी आमदनी को दुगनी कर सकते हैं। खासकर महिलाओं को रोजगार के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं, घर बैठकर ही खुम्ब उत्पादन से रोजगार चला सकती हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि खुम्ब उत्पादन के लिए अधिक धन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही अधिक श्रम शक्ति की। हिमाचल प्रदेश के उन गरीब बेरोजगारों को जिनके पास भूमि की उपलब्धता कम है, स्वरोजगार व आय सृजन का उपयुक्त माध्यम है। इस दौरान उद्यान विभाग के उपनिदेशक देशराज शर्मा ने बताया कि अपने गांव को समृद्ध, सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोग खुम्ब उत्पादन की ओर कदम बढ़ाएं। पोषक तत्व एवं औषधि गुणों से युक्त होने के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त है, इसलिए आज बाजार में इसकी मांग भी अच्छी है। बसंतपुर के किसान प्रदीप कुमार ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण में मशरूम की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया और सरकार की ओर से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी ज्ञान दिया गया। इस तरह के प्रशिक्षण साधनहीन व बेरोजगारों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। प्रदीप कुमार है, मैं विकासखंड बसंतपुर के ग्राम रमहान का रहने वाला हूँ। दत्तनगर में ये जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खुम्ब की खेती कैसे की जाती है इसके ऊपर रहा हमारा और आज अंतिम दिवस है। इस खेती के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो हमें सीखने को मिला, ये खुम्ब उत्पादन के लिए जो खाद कैसे तैयार की जाती है, उसके उपरांत उस खाद में हम कैसे खुम्ब की खेती कर सकते हैं, ये अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। और इसमें ये सीखने को मिला कि कैसे हम जो वेस्ट मटेरियल होता है, तुड़ी या इससे जो संबंधित चीज़ें हैं, उनका उपयोग करके कैसे एक अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। और ये एक सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत ही, मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिससे जो एक स्वरोजगार के जो अवसर पैदा करता है और एक अच्छे स्तर पे व्यक्ति अपनी आय को बढ़ा सकता है। और जैसे बसंतपुर के कोटला पंचायत की चंद्रेश कश्यप ने बताया कि 5 दिवसीय मशरूम शिविर में किस तरह से मशरूम की पैदावार की जा सकती है बताया गया। उन्होंने बताया कि खासकर महिलाओं के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसके लिए महिलाओं को घर से बाहर कमाई के लिए जाने की जरूरत नहीं है और बाकी कामों के साथ इसे आसानी से कर सकती हैं। बसंतपुर के उद्यान विकास अधिकारी प्रदीप हेमराल ने बताया कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण दिया गया। इसका मकसद कृषक बागवानों की आजीविका बढ़ाना व स्वरोजगार के लिए नया विकल्प देना था। 30 किसान बागवानों ने भाग लिया। ये प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण करवाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है किसान बागवानों को एक आजीविका बढ़ाने का साधन मुहैया कराना और स्वरोजगार के लिए एक नई ऑप्शन देना कि वो खुम्ब उत्पादन कर भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका समापन समारोह था। देशराज शर्मा उपनिदेशक उद्यान ने बताया कि मशरूम उत्पादन कर ग्रामीण लोगों की आय को दोगुना करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गरीब साधनहीन किसान भी इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रशिक्षण का सारा खर्चा सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। यहां तक कि आने जाने का किराया भी सरकार दे रही है और दूसरा प्रशिक्षण लेने के बाद कंपोस्ट खाद घर द्वार तक पहुंचा कर दी जाती है। विशेष रूप से बागवानी विभाग रामपुर प्रशिक्षण केंद्र दत्तनगर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और विभाग यहाँ पर विशेष मशरूम से संबंधित, खुम्ब उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है, जो विषय इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने बागवान किसान भाइयों की आय को दुगना कैसे करें।